नमस्कार, रूस्ट न्यूज में सभी का स्वागत है। एम करुणानिधि की हालत गंभीर, पीएम मोदी ने फोन कर पूछा हाल। AIADMK का प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के नेतृत्व में DMK अध्यक्ष एम करुणानिधि से मिलने के लिए गुरुवार को उनके चेन्नई स्थित आवास पहुंचा। 94 साल के एम करुणानिधि यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण से पीड़ित है। उनका घर में ही इलाज चल रहा है। कावेरी अस्पताल ने बताया कि वह राजनेता की हालत को मॉनिटर कर रहे हैं। गुरुवार को जारी किए गए बयान में कावेरी अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक अरविंद सेल्वराज ने कहा कि उम्र बढ़ने की वजह से करुणानिधि की सेहत में मामूली गिरावट आई है। सेल्वराज ने कहा, उनका फिलहाल बुखार और यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण का इलाज चल रहा है। इन्हें एंटीबायोटिक और तरल पदार्थ दिया जा रहा है। डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम लगातार इनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखे हुए है। वह उन्हें घर में ही अस्पताल जैसी देखभाल मुहैया करवा रहे हैं। करुणानिधि का हाल जानने के लिए उनके घर समर्थकों के अलावा राज्य के दिग्गज नेताओं का तांता लग गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन और उनकी बेटी कनिमोली से फोन पर उनका हालचाल पूछा और उनसे किसी भी चीज की जरूरत होने पर मदद देने को कहा। करुणानिधि को देखने के बाद पनीर सेल्वम और उनके कैबिनेट सहयोगी डी जय कुमार ने कहा, करुणानिधि अब ठीक है। जय कुमार ने कहा, करुणानिधि जल्द ही ठीक होकर लौट आएंगे। जय कुमार ने कहा कि ये सत्तासीन पार्टी की राजनीतिक सभ्यता है कि वह करुणानिधि के घर जाकर उनसे मुलाकात करे। एमके करुणानिधि की हालत की गंभीरता को जांचते हुए तमिलनाडु पुलिस ने यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी है। करुणानिधि जी के घर के आसपास अब आम जनता जा नहीं सकती है। वहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों को भी ये सलाह दी जा रही है कि वो एक दूरी बनाए रखें। इसके अलावा अगर आप देखें तो राजाजी हॉल, ये हमें एक सुनने को आया है कि राजाजी हॉल को एक तरह से बुक कर लिया गया है। अगर कोई अनहोनी होती है तो करुणानिधि के पार्थिव शरीर को राजाजी हॉल में ही रखा जाएगा। आशा करते हैं कि करुणानिधि जी की जो तबीयत है उसमें सुधार जल्द से जल्द हो और वो दोबारा से अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहें हमारे साथ रूस्ट न्यूज, जो आपको तमाम खबरें दिखाता रहेगा चेन्नई से, जो करुणानिधि की सेहत से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार।